सुप्रीम कोर्ट का टेस्ट, इंटरव्यू के बगैर भर्ती होने वाले एफआईए के 53 मुलाजमीन फौरी फारिग करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, एफआईए रिपोर्ट ने सारा कच्चा छट्टा खोल दिया। नई तैनातियां पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए करने की हिदायत। डीजी एफआईए वाजिद जिया से 15 रोज में रिपोर्ट तलब। नए पाकिस्तान में अमीरों और गरीबों के लिए अलग अलग कानून। बिलावल भुट्टो जरदारी की हुकूमत पर तनकीद, कहते हैं नए पाकिस्तान में टैक्स चोरों के लिए रिलीफ है, टैक्स देने वाले तनख्वाहदार तबके लिए महंगाई है। क्या किसानों से सब्सिडी छीनकर अमीरों को नवाजना इमरान खान की तब्दीली है? विफाके हुकूमत की हिदायत पर टेक्निकल टीम का पाकिस्तान स्टील का दौरा, ऑक्सीजन प्लांट का जायजा। चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान स्टील ब्रिगेडियर रिटायर्ड शुजा हसन की सरबराही में इजलास। वजीर आजम इमरान खान के जेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास, कोरोना समेत सियासी माशी सूरत हाल पर मुशावरत। इजलास में 9 नुकाती एजेंडे की भी मंजूरी दी जाएगी। जहांगीर तरीन की रिहायशगाह पर हम ख्याल अराकीन का इकट्ठ, वजीर आजम से मुलाकात के हवाले से हिकमत अमली पर गौर। 33 अराकीन पार्लियामेंट आज वजीर आजम से मिलेंगे, जहांगीर तरीन केस पर वजीर आजम को हकायक बताएंगे। तरीन इशू पर गवर्नर पंजाब को अहम जिम्मेदारी मिलने का इम्कान। वजीर आजम ने चौधरी सरवर को इस्लामाबाद बुला लिया। वज़ीर-ए-आज़म के सामने अपना मौकिफ रखेंगे, कोई फेवर नहीं इंसाफ चाहते हैं। राजा रियाज की जहांगीर तरीन की रिहायशगाह के बाहर गुफ्तगू, कहते हैं उम्मीद है हमारा कप्तान हकायक सुनेगा, हमें इंसाफ देगा। एक सियासी शख्सियत जहांगीर तरीन केस में इस्लामाबाद से कॉल्स करती है। बड़ी मुलाकात से पहले बड़ी तब्दीली, शुगर माफिया के खिलाफ तहकीकात करने वाली जीआईटी के सरबराह की छुट्टी। डॉक्टर रिजवान की जगह एडिशनल डायरेक्टर अबूबकर खुदाबख्श ने सुपरवाइजरी ऑफिसर की जिम्मेदारियां संभाल ली। कहा जहांगीर तरीन को एनआरओ दिया जा रहा है, सवाल उठना शुरू।